हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो डियर गाइज, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड पे लगा हुआ है हॉट टॉपिक्स के, हॉट टॉपिक में गुलाम का नियम। यानी आज हम लोग चर्चा करेंगे गुलाम के नियम के बारे में। और गुलाम के नियम की चर्चा करने से पहले हम एक आशा करते हैं, उम्मीद करते होंगे कि जो बच्चे हमसे जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो बच्चे नहीं जुड़े होंगे वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। प्यारे बच्चों, आइए आपके क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके समय को गवाए हुए। तो प्यारे बच्चों, एक बार उम्मीद करते होंगे कि आप लोग जरूर स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ते होंगे। प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो गुलाम का नियम है। गुलाम ने क्या नियम दिया, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि दो ठो आवेश ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? दो ठो आवेश। पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा है आवेश के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अच्छे तरीके से बता के रखा है, नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देखिएगा, ना समझ में आ जाए तो बताइएगा हमको। दो ठो आवेश लीजिएगा। चलिए दो ठो आवेश लेते हैं। एक आवेश क्या ले लिए? Q1। एक आवेश ले लिए Q2। तो भाई साहब गुलाम बता के गया, क्या बता के गए जानत है? क्या बताएं? वो बताएं भैया कि ए प्लस है, तो ये प्लस है, ये भी एक बार प्लस ले लिए, दोनों धन आवेश ले लिए। यानी दोनों आप धन आवेश ले लीजिए। उसके बाद दूसरी बार एक जो है आप क्या ले लीजिए? धन आवेश ले लीजिए। एक बार क्या ले लीजिए? ऋण आवेश ले लीजिए। तो गुलाम ने बताया, गुलाम ने क्या बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा, कुछ दूरी पर रख दीजिए। जैसे ये भी कुछ दूरी पर रख दिए, इनको भी कुछ दूरी पर रख दिए। मान लिए वो दूरी क्या थी? आर थी। ये भी आर दूरी पर था, ये भी आर दूरी पर था, पर दोनों में अंतर क्या है कि ये दोनों समान आवेश हैं, दोनों की जात बिरादरी एक है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे से ठेलेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। क्या समझा भैया? समझा? यानी ये दोनों जने एक दूसरे, इनकर दोनों जने का कभी जोड़ी बैठे न, ये दोनों जने एक दूसरे से एकदम झगड़ा करत रही, एकदम प्रतिकर्षित रही। और ए एक जने प्लस है, एक जने माइनस है, सब गैर बिरादरी है। कहा है ना? गैर बिरादरी। फटाक से एक दूसरे से संबंध बना लिए, एक दूसरे को आकर्षित कर लिए, इन दोनों ने खूब बैठे। तो गुलाम ने क्या बताया? गुलाम ने बताया कि अगर आप कुछ मीटर दूरी पर दो आवेश रख दिए तो उनके बीच जरूर बल लगेगा, चाहे वो झगड़ा वाला बल लगे, चाहे प्रेम वाला बल लगे, चाहे प्रेम वाला बल लगे, चाहे झगड़ा वाला बल लगे, लगेगा तो दो बल लगेगा बल। और उस बल को क्या कहते हैं जानते हो? गुलाम ससुरो कुछ नहीं पाया, अपना नाम रख दिया, गुलाम बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाम बल कहते हैं। तो इसी को हम लोग विद्युत बल भी कहते हैं, इसी को विद्युत बल भी कहते हैं और गुलाम बल भी कहते हैं। तो ये बातें जरूर समझ में आई होगी कि विद्युत बल यानी किन्हीं भी दो आवेश को आप कुछ मीटर की दूरी पर रख दीजिए, दो ठो आवेश लीजिए, उठा के रख दीजिए, एक का नाम Q1 रखिए, एक का नाम Q2, और इनके बीच की दूरी R मान लीजिए। इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा उस बल को गुलाम बल कहेंगे या विद्युत बल कहेंगे। ये बातें क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई होगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर क्लियर हो गए। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हाँ, हमको विद्युत बल पता चल गया, गुलाम बल पता चल गया। अब हम जानेंगे हॉट टॉपिक्स में लगे हुए टॉपिक को, गुलाम का नियम। आइए उसको भी सरल शब्दों में जरूर समझाएंगे, अपने एकदम ठेठ वाले लेंगे उसमें, गुलाम के नियम। अब टॉपिक बना लेते हैं गुलाम के नियम को। भाई साहब, गुलाम हम लोगों के लिए नियम देके गए थे, आप लोगों के लिए नियम देके गए थे कि जो बेचारे बच्चे बाहर में आएंगे गुलाम के नियम को पढ़ेंगे, तो गुलाम के नियम को हेडिंग तो बना ले, इतनी तो इनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं हम लोग। तो क्या बना लिए? गुलाम का नियम, गुलाम चाचा का नियम। किसका नियम भाई? गुलाम चाचा का नियम। अब ये का दे के गए थे पहले ये समझिएगा, एक चर्चा किए, ये इन्होंने कहा कि दो ठो बिंदु आवेश ले लीजिएगा, दो ठो बिंदु आवेश, न कि आवेश। क्या ले लिए? दो बिंदु आवेश। कितने? दो ठो बिंदु आवेश। चलिए दो ठो बिंदु आवेश ले लिए। क्या ले लिए प्यारे बच्चों? दो ठो बिंदु आवेश, ऐसे इधर समझिएगा रफली, दो ठो बिंदु आवेश ले लीजिए। एक का परिमाण Q1 हो गया, एक का परिमाण Q2 हो गया, और इनके बीच की दूरी क्या मान ली? R मान ली। इनके बीच की दूरी क्या मान ली? R। अब आप तुरंत पूछोगे, सर बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, बिंदु आवेश वो होते हैं कि आवेशों के बीच की दूरी अधिक होनी चाहिए, इनके बीच की दूरी इनके तुलना में अधिक होनी चाहिए। जितनी अधिक दूरी रहेगी उतने ही बिंदु आवेश कहलाएंगे। एक बार प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा? अगर आपको ध्यान से देखिए तो बिंदु आवेश क्या होगा कि जैसे
अगर ये बिंदु है और एक आवेश यहाँ रखे हो और एक आवेश यहाँ पर रखे हो तो ये दोनों बिंदु आवेश हैं। क्यों? क्योंकि बीच की दूरी अधिक है। अगर यही चीज़ हमने कह दिया कि ये आवेश Q1 यहाँ रख दिए और Q2 यहाँ पर रख दिए तो ये बिंदु आवेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच की दूरी कम है। तो यानी बिंदु आवेश वो होते हैं जो आवेश एक दूसरे से काफ़ी दूर पर स्थित होते हैं। ये बातें जरूर क्लियर हो जानी चाहिए कि बिंदु आवेश क्या होते हैं। वे दो आवेश जो एक दूसरे से काफ़ी दूर पर स्थित हों परिमाण की तुलना में। अब आते हैं कुलाम चाचा के नियम की चर्चा करते हैं। अब उन्होंने क्या बताया, अभी हमने चर्चा किया था कि जब दो आवेश रखते हैं ना तो इतने बड़े खुरापाती होते हैं कि इन दोनों के बीच बल लगेगा, चाहे आकर्षण लगे चाहे प्रतिकर्षण लगे। समान बिरादरी रही का करी भैया, एक दूसरे से प्रतिकर्षित करी, एक दूसरे से झगड़ा करी, और जब गैर बिरादरी रही तो एक दूसरे से आकर्षित हो जाए, एक दूसरे से मिले लगे, इनका सब जोड़ी बैठे लगे भैया। अरे तो समझे। अब गुलाम ने क्या बताया कि भाई साहब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, का बताएं कि दोनों आवेशों के बीच लगे वाला जो बल होता है चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण, उन दोनों आवेशों के परिमाण के इन दोनों जने का मान जितना रहे उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी दोनों जने का परिमाण जितना बा उनका गुणा कह दे ओकरे अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है भैया तू बढ़ा हम बढ़ी, हम बढ़ी तू बढ़ा, तू खा हम खाई, अनुक्रमानुपाती मतलब ये रिलेशन होता है। यानी जैसे जैसे हम लोग ग्रोथ करते चले जाएंगे वैसे वैसे आप भी ग्रोथ करते चले जाएंगे, वो होता है अनुक्रमानुपाती का रिलेशन। अनुक्रमानुपाती को ही समानुपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपाती कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, गुलाम ने क्या बताया कि भाई दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ओ तेरी अभी पता चला कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का रिलेशन ये है, इसको अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है ये। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 समीकरण नंबर का बना लिए, एक बना लिए। अब गुलाम इसी पे ठप्प नहीं हुए, एक लाइन और बोल के गए। क्या बोले जानते हो? और तथा बीच की दूरी R के जो बिचवा का दूरिया बना ओकरे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हुए। यानी बताएं कि बीच की दूरी के वर्ग के, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r2, यानी बीच की दूरी के वर्ग के का होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे बीच की दूरी बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे लगने वाला बल जो है कम होता चला जाएगा। ये भी दो ठो बता दिए और इन दोनों को मिला दिए। इन दोनों को मिलाते ही कुलाम का नियम तैयार हो गया। तो आइए हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो समझाते हैं प्यारे बच्चों। तो एक बार आपको फिर से सरल लैंग्वेज बताते हैं, कुलाम ने क्या बताया। कुलाम चाचा जो थे वो क्या बता के गए जानते हैं? दो आवेश लीजिएगा, चलो दो आवेश हो गए। क्या हो गए? दो आवेश हो गए। अब इनके बीच विद्युत बल लगेगा। क्यों? ये दोनों खुरापात करते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो विद्युत बल लगेगा ही लगेगा, रख लिए ना। अब इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है ना, कुलाम ने बता दिया भाई साहब कि इनका परिमाण जितना रहेगा, इन पे आवेश जितना रहेगा, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। बस कुलाम का नियम समाप्त। तो आइए हम लोग लिखते हैं कुलाम का नियम क्या लिखेंगे उसको। इस नियम के अनुसार ठीक किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल क्या बताए थे? लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये किसका निशान है? अनुक्रमानुपाती तथा
बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक प्यारे बच्चों, अब आइए, यदि दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित हों, कहाँ हो, निर्वात में स्थित हों, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर। तो प्यारे बच्चों, तो उनके बीच लगने वाला बल, तो आप यहाँ डायग्राम बना के रखे हैं प्यारे बच्चों, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो उनके बीच लगने वाला बल इन दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, उनके बीच लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 क्या हो जाएंगे, Q1 इंटू Q2 और अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक नियतांक लगा लेंगे के, जहाँ जहाँ प्रोपोर्शनल हटाओगे वहाँ एक नियतांक लगाओगे, ज़रूरी नहीं आप के लगाओ। तो प्यारे बच्चे, यहाँ इनको हटाए तो के किए, फिर आगे Q1 Q2 बटे क्या हो गया, R स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये जो के होता है, के यहाँ क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ k क्या है अनुक्रमानुपातीय नियतांक क्या है प्यारे बच्चों, अनुक्रमानुपातीय नियतांक, और जिसका मान क्या होता है, k बराबर 1/4πε0, और जिसका मान होता है 9×10^9। गणितीय मान ये होते हैं और ये जो है इनके सांकेतिक मान होते हैं। के बराबर क्या होता है, 1/4πε0। केक मनवा उठाई के भैया है ही रख दे, हे केक मान या उठाई के रख दे, तब का हो जाए फार्मूला, तब का हो जाए भैया, लास्ट वाला फार्मूला का है भाई, के का मान जब यहाँ रखोगे तो आ जाएगा एफ बराबर के स्थान पे 1/4πε0, और का बा हो Q1 और Q2 बा, और का बा R स्क्वायर। ई तैयार हो गया कुलाम चाचा का नियम, का तैयार हो गया कुलाम चाचा का नियम, ये भी है। तो दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट, ज़रूर अगर आपको कहीं दिक्कत हो कुलाम के नियम में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं, जरा सा और कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। आइए चलिए, आगे क्या चर्चा करने वाले हैं, अब इसी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि एप्सिलॉन नॉट आया है, क्या आया है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट आया है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो ये भी चीज़ें लिख लेते हैं यहीं पर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85×10^-12। कितना होता है प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85×10^-12। तो ये प्यारे बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया प्यारे बच्चों। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर
यदि क्या मान ले, यदि Q1 और Q2 का मान क्या मान ले, एक मान ले। क्या मान ले प्यारे बच्चों, यदि Q1 और Q2 का मान एक मान ले तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। यदि कंडीशन देते हैं, यदि यहाँ प्यारे बच्चों, यदि हम क्या माने, यदि Q1 और बराबर Q2 बराबर एक कूलाम रख लें तथा R बराबर एक मीटर हो, यानी एक मीटर की दूरी पर दो आवेश हो, दोनों आवेशों का परिमाण क्या हो, एक कूलाम हो, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। तो उनके बीच लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिए कि इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 9×10⁻¹। तो रख सकते हैं F बराबर 1/4πε₀ Q1 Q2, तो Q1 का भी मान एक है, Q2 का भी मान एक है, और बटे R स्क्वायर एक का स्क्वायर, और इतने पूरे का मान होता है प्यारे बच्चों, इतने का पूरा मान होता है 9×10⁻¹, और बाकी पूरा एक ही आएगा। तो प्यारे बच्चों F का F बराबर कितना आ गया, 9×10⁻¹ न्यूटन। यानी यदि दोनों आवेश का परिमाण एक एक कूलाम हो और एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर रखे हो, तो उनके बीच लगने वाला बल 9×10⁻¹ न्यूटन होता है। प्यारे बच्चों एक चीज़ इसको और कह सकते हो, यानी अगर दोनों आवेशों के बीच 9×10⁻¹ न्यूटन का बल लग रहा हो तो दोनों आवेश का परिमाण एक कूलाम होता है। क्या बताया डियर स्टूडेंट, यदि इन दोनों आवेशों के बीच कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 9×10⁻¹ न्यूटन का बल लग रहा हो, तो आवेश का परिमाण एक कूलाम होता है। तो प्यारे बच्चों वो बातें जरूर समझ में आनी चाहिए। अब और कुछ टॉपिक की चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और इस एप्सिलॉन नॉट का बीमा। तो आइए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और एप्सिलॉन नॉट का बीमा चर्चा कर लेते हैं। बोर्ड के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब चर्चा करने वाले हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना, किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालते हैं। आइए डियर स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालते हैं। तो सबसे पहले इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो इस फार्मूला का उपयोग करोगे प्यारे बच्चों तो ध्यान से समझिएगा क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालते हैं। तो एफ बराबर कितना है, 1/4πε₀ Q1 Q2/r2। डियर स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए तो ध्यान दीजिए, ये जो है आपका संख्या है, इसकी कोई मात्रक नहीं होगा, ये एक संख्या है जिसका कोई मात्रक नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो क्या आ जाएगा, एफ बराबर 1/ε₀ Q1 Q2/r2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, क्या आ जाएगा, एफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और इनका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो Q1 और Q2 आ गए। एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो सब चीज़ इधर चले जाएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, Q1 Q2, ये चीज़ें दोनों इधर आ जाएंगी, तो ये किस में आ जाएंगे, बटे में। तो आइए आगे चर्चा करते हैं किसका मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो Q1 क्या है प्यारे बच्चों, Q1 क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक का होता है, अरे कूलाम, चचा की याद कर ले भैया, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो ये भी आवेश ससुर हुआ, ये भी आवेश, तो दोनों का मात्रक का हो गए, कूलाम हो गए। चलो रखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो Q1 Q2 का मात्रक का हो गया कूलाम, इनका भी कूलाम हो गया, इनका भी कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम का हो गए, कूलाम स्क्वायर हो गए, क्या हो गए, कूलाम स्क्वायर हो गए। F F का मात्रक तो पहले से पता करते आ रहे हैं, क्या होता है, न्यूटन का होते हैं न्यूटन, और R R का है बीच की दूरी, दूरी का मात्रक का होता है मीटर, R कितना है स्क्वायर है, तो मीटर मीटर स्क्वायर हो गए। तो प्यारे बच्चों ये न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गए, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आया वो क्या आया निकल के प्यारे बच्चों, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आ गए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक।
तो ये आपने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल लिए प्यारे बच्चों। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा बताइए, एप्सिलॉन नॉट का बीमा, तो वो भी चर्चा कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो प्यारे बच्चों यहीं से इस समीकरण से उठाते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी निकल आएगी। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा ये निकाल लेते हैं, वो भी चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों इसी टॉपिक के साथ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा, तो डियर स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट की बीमा कैसे होगी, Q1 की बीमा। तो Q1 क्या है, आवेश है, आवेश की बीमा क्या होती है, A इंटू टी होता है, आवेश की बीमा क्या होता है, A इंटू टी। तो प्यारे बच्चों Q1 की बीमा क्या हो गई, At हो गए, और Q2 की बीमा क्या हो गई, At, क्योंकि दोनों आवेश हैं और पूरे के बटे। डियर स्टूडेंट ये आपके क्या हो गए, At हो गए। अब F क्या है प्यारे बच्चों, बल है, तो बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा होती है MLT^-2 होता है, और साथ में R क्या है, दूरी है, तो दूरी की बीमा L हो जाएगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं प्यारे बच्चों, तो आइए हल करते हैं। देखिए ये m ऊपर जाएगा, तो ये m ऊपर जाएगा तो m के पावर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएंगे प्यारे बच्चों। और देखिए ये l के पावर 1 हैं और ये 2 हैं, तो 2, 1, 3, ये तीनों ऊपर जाएंगे तो l के पावर -3 हो जाएंगे। उसके बाद ये -2 और ये -2 हैं प्यारे बच्चों, ये -2 ऊपर जाएंगे तो +2 हो जाएंगे, 2 और 2 ठो पहले हैं तो 2 का हो गए 4 आ गए प्यारे बच्चों। और a क्या हो गया, a^2 हो गए। तो इस प्रकार आप इसकी क्या चर्चा कर लिए, बीमा भी निकाल लिए। एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र आ गया m इनवर्स l के पावर -3, t के पावर 4, a^2 आ गए प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका जो कुलाम का नियम था वो कंप्लीट रूप से क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों, धन्यवाद।